हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल्जरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे डिवाइन की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी यहां तक पहुंचे आप आराम से देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। शेयर योर बाउंटीज एंड लॉ ऑफ कर्मा। बिलीफ, पेशेंस, बी हम्बल। आई थिंक ये दो कार्ड्स हैं, नहीं एक ही है। स्टे कनेक्टेड विद इन द एंड एंड देन न्यू क्रिएशन फ्रॉम द बॉर्ड ऑन द डेक। तो मैसेजेस आ गए हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। गाइज, अगर सच में यू हैव एक्स्ट्रा देन यू डेफिनेटली नीड टू शेयर विद समवन। ओके, इफ यू हैव एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा फूड, देन शेयर इट विद अदर्स। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर हीलिंग प्रोसेस। यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू। डिवाइन कह रहे हैं, आई गेस, मतलब डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा और आपकी नीड से थोड़ा सा ज़्यादा, तो शेयर कर लो अदर्स, दूसरों के साथ। रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। ओके, तो आपके लिए पहली जो गाइडेंस है वो यही है कि अपने रिसोर्सेज आप शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, क्योंकि वही शेयर करता है जिसका दिल बड़ा होता है। गाइज, ये किसी भी फॉर्म में कर सकते हो आप, मैं आपको बताती हूँ। सपोज दैट अगर आपको खाना बांटना है लोगों में, तो आप ना देखो, खाना बांटोगे लोगों में, गरीब लोगों में, तो वैसे भी खर्चा आपका होगा ही, तो क्यों ना कि आप इसको एक डिफरेंट तरीके से करें। आप इसे एक भंडारे की तरह करें। भंडारा बहुत बड़ा या छोटा कुछ नहीं होता, भंडारा भंडारा होता है, ठीक है। आप जहाँ खाना बांट रहे हैं वहीं पर आप हल्का सा उसी खाने का भोग लगा दें डिवाइन को, और फिर आप उसको बांट दें लोगों में। तो इससे भी आप अपने सोर्सेस, अपना टाइम आप दूसरों को डिवोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है खाना बांटने का। ऐसे ही ना बांट दें, बस आपने घर में पैकेट्स पैक कर लिए, या फिर घर में खाना बना लिया, या किसी हलवाई से या किसी से बनवा लिया और देन बांटना शुरू कर दिया। नहीं, प्रॉपर आप इसको एक तरीके से पहले डिवाइन को भोग लगा दें, पूजा पाठ करके अपना, देन आप भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ें, खाना बांट दें, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से कोई आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई पहले प्लेस हायर करेंगे, मतलब बुक करेंगे एंड देन वहाँ पर लोगों को इनवाइट करेंगे एंड देन आप उन्हें खिलाएंगे। नहीं, आपने भोग लगा दिया मंदिर में या अपने घर में, मंदिर में, ठीक है। एंड देन आप अपने किसी भी तरीके से, अपनी कार में, अपनी बाइक पे, जैसे भी आपका मन चाहे, आप लोगों में बांट दें वो खाना। ऐसे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो लोगों की सेवा कर सकते हैं, जैसे वॉलंटियर वर्क करते हैं ना लोग, ऐसे कर सकते हैं अपना टाइम। अगर इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, इफ़ यू आर फ्री इनफ, ठीक है, इन अ होल डे, तो यू कैन डिवोट योर टाइम एज वेल। आप अपना टाइम भी डिवोट कर सकते हैं, आप अपना टाइम दूसरों को दें, उनकी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है आप ऐसा भी कर सकते हैं, इफ़ यू आर इनफ इंटेलिजेंट, है ना, आप किसी सब्जेक्ट के मास्टरी कर ली किसी में, तो फ्री ट्यूशन क्लासेस गरीब लोगों के बच्चों के लिए आप अरेंज कर सकते हैं। तो इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा, इफ़ यू हैव समथिंग मोर देन योर नीड्स, देन यू कैन शेयर विद अदर्स। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्योंकि बड़े दिल वाला ही कर सकता है ये काम, हर कोई नहीं कर सकता। मैं अपना बताती हूँ गाइस, मैं क्या करती हूँ। मैं अगर मंदिर जाती हूँ, जैसे अपने दिल्ली के मंदिर में नहीं, जैसे मैं कोई तीर्थ स्थान गई हूँ, ठीक है, जैसे राजस्थान में बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है, तो जब भी कभी मंदिर जाती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर भंडारा करना चाहिए,
तो मैं वो करवा कर आती हूँ वहाँ पर। जब जब मैं गई हूँ तो अभी तक मैं शायद से 3 बार करवा चुकी हूँ, जब से मैंने फील करा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, कुछ कमा रही हूँ तो कुछ लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ठीक है, और कभी कभी फ्री क्लासेस दे देती हूँ बच्चों को, ठीक है, कभी स्पीकिंग की क्लासेस, कभी उनके मैथ्स के कुछ डाउट्स होते हैं जो ट्यूशन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके साथ ऐसे मैं हेल्प कर देती हूँ। तो मैं भी कर रही हूँ ये काम, और आप लोगों के लिए भी यहाँ पर ये गाइडेंस आई है। और बाकी तो ये मैं काम कर ही रही हूँ गाइस। देखो यहाँ पर मैं आपसे कुछ ले नहीं रही हूँ, इवन मेरे पहले वाले चैनल पर एक ज्वाइन बटन है जहाँ पे मेंबरशिप आपको मिल सकती है, आपको हल्का सा वहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। इवन सुपर एक सुपर बटन है, सुपर थैंक्स है ना, वहाँ पर भी आप चाहें तो मुझे वहाँ से भी पे कर सकते हैं एज अ डोनेशन, बट मैं नहीं बोलती हूँ, मैं कभी भी ये चीज़ें नहीं करती हूँ कि आपको करना है या आप करें, आपको मन है आप कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन है। मैंने कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया है क्योंकि मेरे को लगा ही नहीं कि करना चाहिए। तो ये जो मेरा काम है ना, आप लोगों से मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ उसके लिए, और ये मैं अपना, पता है मेरा बहुत बिजी शेड्यूल होता है, ठीक है, मेरा खुद का अपना बिजनेस भी है और बहुत सारे और भी मेरे काम हैं, मैं दूसरी लैंग्वेजेस भी सीख रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश हिंदी तो है लेकिन मेरे को फ्रेंच जर्मन जितना मुझसे हो सकता है अभी मैं फ्रेंच पर फोकस कर रही हूँ, आगे चलकर हो सकता है दूसरी लैंग्वेज भी कुछ सीखूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को ना हमेशा कुछ नया सीखना है, इम्प्रूव करना है। तो इतने सारे काम होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर रीडिंग करती हूँ, और देखो मैं 4 रीडिंग करती हूँ एक दिन में आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को नीड है, आप लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, स्ट्रेस ख़त्म होता है आपका रीडिंग्स को देखकर। तो यस, और मैं ज़्यादा लव पर इतना फोकस ना कर कर आपको हील करने की कोशिश करती हूँ कि आप इतने स्ट्रांग बने कि ज़िंदगी में सुख दुख आए तो आपको ज़्यादा फील ना हो, आप सुख को भी वैसे ही कंसिडर करें और दुख को भी सेम सेम कंसिडर करें, मतलब चाहे सुख आए चाहे दुख आए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, ज़िंदगी जा रही है आराम से, इसी को बोलते हैं सही से मैनिफेस्ट करना लाइफ में। तो मैं आपकी हीलिंग पर ज़्यादा फोकस होता है मेरा, ठीक है, तो मैं देखो इस तरह से काम कर रही हूँ, तो आई होप कि मैं ये काम अच्छा कर रही हूँ, बिल्कुल अच्छा कर रही हूँ, तभी तो भगवान की ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है इस काम में, तो डिवाइन आपको भी कह रहे हैं यू हैव इनफ, ठीक है, फॉर योर नीड्स, तो आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं जो जैसे भी आपको सही लगे। अगर आप एनिमल लवर्स हैं तो आप एनिमल के लिए कर सकते हैं, आप उन्हें खाना खिला दें, उनकी सेवा कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे करो, लेकिन करना उन्हीं के लिए जिनको सच में नीड है, जिनको नीड नहीं है, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए नहीं करना, जिनको जो बिल्कुल अब नहीं कर सकते, कुछ भी उनके पास है ही नहीं, तो उनके लिए आप कीजिए, ओके। एंड लॉ ऑफ कर्मा, देन आप अच्छा कर्मा क्रिएट करोगे तो देखो आपको अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, जो आप मांग रहे हो वो अच्छा ही मिलेगा आपको, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। और हमेशा डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, आपको बोल रहे हैं ट्रस्ट करने के लिए, और पेशेंस भी रखिए, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आज आपने कर्मा करा उसका रिजल्ट कल ही आपको मिल जाए ज़रूरी नहीं है गाइस, कभी कभी हमें पूरे एक जन्म के अच्छे कर्म का फल अगले जन्म में भी मिलता है, ठीक है, तभी तो हम कहते हैं अरे इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, इतने अच्छे घर में जन्म हुआ और देखो सारी चीज़ें आगे से आगे मिल रही है, आगे से आगे, हमें नहीं पता पिछले जन्म में वो क्या भोग कर आया है, कितनी डिफ़िकल्टीज फेस कर कर आया है। तो आज के दिन में जिसको सुख मिल रहा है तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये तो आराम से बैठ के खा रहा है, भाई उसका पिछला जन्म का कुछ पुण्य है, कुछ कर्म है जो आज उसको रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन एक बात मैं और बता दूँ, आज वो आराम से बैठ के खा रहा है, अपने पुराने कर्मों को भोग रहा है, तो आने वाली ज़िंदगी में फिर हो सकता है उसको स्ट्रगल ही मिल जाए, क्योंकि वो आज सिर्फ बैठ कर खा रहा है, कर्म नहीं कर रहा कुछ भी, तो अपने पुराने कर्म जो उसके अच्छे कर्म थे वो एक के बाद एक ख़त्म हो रहे हैं, तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करना कभी बंद ही नहीं करना चाहिए, ताकि हमें ज़िंदगी में आगे तक डिफ़िकल्टीज ना मिले, ठीक है। वो बात अलग है कि आपके कर्म अच्छे थे फिर भी आपको परीक्षा देनी पड़ रही है, तो वहाँ तो भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं, और वो उन्हीं को टेस्ट करते हैं जिन पर उनको भरोसा होता है, जिनसे वो प्यार करते हैं, ठीक है। तो हर कर्म
कंडीशन में, हर सिचुएशन में लकी समझना शुरू कर दो अपने आप को। मैं लकी हूँ, मेरा भगवान मेरे साथ है, बस अब और कुछ कुछ नहीं होना, सब अच्छा ही होना है। सुख दिए हुए मेरे भगवान के हैं, दुख दिए हुए मेरे भगवान के हैं, तो मुझे फिक्र किस बात की, मेरे साथ हैं, सुख सुख और दुख में मेरे साथ हैं। ठीक है, इस तरह का बिलीव रख कर पेशेंस रखना शुरू कर दो, सब अच्छा हो जाएगा, आराम से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और हम्बल रहो हमेशा। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हो तो गाइस वो तो फ्रूटफुल कभी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। मैं ये नहीं बोलती कि कभी आपको एग्रेशन दिखाना ही नहीं है, कभी कभी सिचुएशन आएगी, ठीक है, लेकिन स्टैंड कैसे लेना है वो आनी चाहिए बात आपको। ठीक है, कैसे स्टैंड लेना है, कैसे अपनी बात रखनी है, ऊंची आवाज़ में चीखना चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि आप ऐसे बोल सकते हैं, हमारे भगवान को भी टाइम टाइम पर बहुत ज़्यादा क्रोध आया है, जैसे भोले बाबा को थर्ड आई खुल जाती थी उनकी, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे, तो पीछे बहुत बड़ा रीज़न भी तो होता था ना। तो अननेसेसरी एग्रेशन नहीं शो करना है जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, ठीक है, और लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड, पीछे छोड़ दो उसको और मेक अ फ्रेश बिगनिंग। हम्बल बनो हर किसी के साथ, और जिनसे आपकी नहीं बनती, जिनसे आपको लगता है कि भाई इसकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग कभी बनेगी नहीं, तो उनको टाटा बाय बाय बोल दो, आगे बढ़ जाओ लाइफ में। हो सकता है और ज़्यादा खूबसूरत ब्यूटिफुल लोगों से आपकी मुलाकात होनी है, उनसे आपकी बातचीत अच्छी बनेगी। किसी भी तरीके से फिक्र ना करें, टेंशन फ्री जिंदगी जीने की कोशिश करें हमेशा। ओके, स्टे कनेक्टेड विद इन, अपने आप से कनेक्ट रहो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते रहो। जितना अच्छा कर्म आपका होता जाएगा, उतनी प्योर इंट्यूशन आपकी बनती जाएगी। तो अगर आपको लगता है आप अच्छे कर्म करते हो, आप काफ़ी आगे आ गए हो, डिवाइन के दर्शन भी आप में आपको होते हैं, तो यस, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर दो। सेट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस। ऐसा करने से अगर आप अपनी इंट्यूशन फॉलो करते हैं, अपने आप को फॉलो करते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद में ही मिल जाएंगे, आपको यहाँ वहाँ भागने की, खोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर किसी को एक गुरु की ज़रूरत होती है, ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक गुरु का काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी रीडिंग से काफ़ी सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है और लाइफ चेंज हुई है, क्योंकि मुझे वो फैक्ट्स पता हैं जो शायद आपको नहीं पता, और अब तक आपने मुझसे शायद काफ़ी कुछ सीख भी लिया है। तो लेकिन इतना कुछ सीखने के बाद भी गाइस, फाइनल डिसीजन आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेते जाओगे, जितना ज़्यादा सीखते जाओगे, इंट्यूशन आपको अपने तरीके से गाइड करेगी, जो आपका लाइफ पाथ है उसी के अकॉर्डिंग। तो सुनो सबकी, करो अपने मन की, ये बात बिल्कुल सच बोली गई है, किसी ने भी बोली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो बता रही हूँ फैक्ट्स तो बता रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ वो मेरे पास एक्सपीरियंस से भी जुड़ी हुई बातें हैं, जो मैंने अब तक सहा, मैंने अब तक देखा है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, मैं उसी उन्हीं के बिहाफ पर जो गाइडेंस मुझ तक पहुँची है, मैं आपको वही डिलीवर कर रही हूँ। ठीक है, और आगे भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ, अलग अलग सिचुएशन में खुद को लेकर जाती हूँ कि यहाँ से कैसे निकलना है, कैसे इस चीज़ को टैकल करना है, सो दैट मैं आपको आगे के लिए गाइड कर सकूँ। तो इसीलिए ना, आप जितना ज़्यादा आप हर किसी की सुनो, हर किसी की मानो, बट आखिरी में करना आपको आपकी इंट्यूशन को फॉलो कर ही है सारे काम। ठीक है, इतना आप कीजिए, फिर देखिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। एवरीथिंग हैज़ एंड समडे, सब कुछ एक दिन तो ख़त्म होना ही है। ठीक है, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल प्रिपेयर रहें अपने डिज़ायरेबल रिजल्ट के लिए, अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए, बिल्कुल आपको मिलेगा इफ़ यू फॉलो दीज गाइडेंस। ओके, दिस इज़ द मैजिकल वर्ड्स विच आई गॉट फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, और आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ काफ़ी रेजोनेट हुई होगी, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इस रीडिंग के थ्रू। तो गाइज, जितना हो सके अच्छे से अपने कर्मा कीजिए, कर्म करना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें बैठ कर नहीं खाना, हमें आगे के लिए भी अर्न करना है। ठीक है, और कभी कभी हमारे अच्छे कर्म, अगर आप एक फैमिली हैं, अगर आपके बच्चे हैं, आपके अच्छे कर्म आपके बच्चों के भी काम आ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अपने आप को बहुत अच्छी सोल में कन्वर्ट करने की कोशिश हमेशा करते रहें, हमेशा। डिवाइन आपके साथ हमेशा है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। अगर वो अच्छा है तो वो चाहेगी वो ऊंचाइयाँ छुए, अगर वो बुरा है तो वो चाहेंगी ये सुधर जाए, लेकिन छोड़ेंगी कभी नहीं। तो ऐसे ही डिवाइन है, हमें छोड़ेंगे कभी नहीं, हमारे चाहे कैसे भी सिचुएशन है, हमें वो हील करवाने की ही कोशिश करेंगे।
एक मैं आपके आपके साथ ये रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बट मैं आपके साथ फिर भी ये बात शेयर करना चाहूँगी। एक बार मैं वैष्णो देवी गई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है, और शायद मैं होंगी 11th क्लास में होंगी मैं। तो हमारे साथ एक फैमिली दूसरी भी गई थी, तो अंकल जो थे दूसरी फैमिली से, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा था। तो कहते हैं ना, जब भी वैष्णो देवी जाते हैं तो पहली बार तो बहुत परीक्षा हो जाती है। तो हम लोगों को, हमें कोई आइडिया भी नहीं था, हम फर्स्ट टाइम गए थे, तो हमें नहीं पता था कि क्या क्या हम सिचुएशन फॉलो कर सक मतलब देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। तो मेरी फैमिली में हम सब अलग अलग भी हो गए, और बहुत रात हो रही थी, और पुराना रास्ता था उस टाइम पे, बहुत रात हो गई थी, और हम सब अलग अलग हो गए। हम बहुत डर भी रहे थे, ठीक है, फ़ोन बंद हो जाता है, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर हमें सिम हमारी बंद हो जाएगी, और हमें शायद पता नहीं पोस्ट पेड सिम लेनी पड़ेगी या क्या है, इस तरीके से नहीं पता था। और तो जो हम तो फिर भी सिचुएशन को काफ़ी मैनेज कर रहे थे, लेकिन अंकल ने ना बोला मैं तो कभी नहीं आऊँगा, जो अंकल जो दूसरा परिवार हमारे साथ था, मैं कभी नहीं आऊँगा, मैं नहीं मानता माता को, मैं नहीं मानता भैरव बाबा को, बहुत बुरा भला बोलते रहे, हम सबको बुरा भी बहुत लगा कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हालांकि हम सब मिल गए थे सारे, ठीक है, और बहुत बुरा भला बोला उन्होंने। लेकिन एक चमत्कार ऐसा हुआ कि माता ने उनके मन में ऐसी भक्ति भावना डाल दी, आज का वो दिन है, वो अंकल हर साल जाते हैं मंदिर वैष्णो देवी, एक दिन एक साल नहीं छोड़ते, उनको एक विजिट तो डालनी है पूरे साल में, कभी कभी दो भी हो जाती है, तीन भी हो जाती है, पर मिस कभी नहीं करते। तो मतलब माता ने बुरा नहीं माना कि ये इंसान मुझे बुरा भला बोल रहा है, मेरे भैरवनाथ को बुरा भला बोल रहा है, बुरा नहीं माना, इवन उनको प्रूव करके दिखाया कि हाँ शक्ति है यहाँ पर, यहाँ पर आकर लोग हील होते हैं, और उनको सच में उनकी थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो गया, वो बहुत बिलीव करने लग गए डिवाइन में। तो भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, आप चाहे बुरे हो अच्छे हो, कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपको हमेशा सुधारने की ही कोशिश करेंगे, तो बिलीव किया करो, ठीक है। चलो, बहुत लंबी रीडिंग हो गई है ये, आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और ये बातें अच्छी लगी हों सुनकर। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।